स्टैंड और हम आपको अभी तो बहुत जोर की भूख लगी है, सबसे पहले जाएंगे खाना खाएंगे और मैं आपको बस स्टैंड का नज़ारा दिखाता हूँ। और खाना खाने के बाद हम मार्केट को जाएंगे तो शॉपिंग करेंगे। तो आप देखिए बस स्टैंड, ये ओल्ड बस स्टैंड है, यहाँ दो बस स्टैंड है, आई एस टी और ये ओल्ड बस स्टैंड। और बहुत ही कंजेस्टेड जगह है जैसा कि आप देख रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड जगह है, यहाँ सिर्फ लोकल बसें चलती हैं, यहाँ किसे बड़ी दूर दूर की बसें नहीं जाती हैं, जैसे कि दिल्ली की बस और या चंडीगढ़ की बस यहाँ से नहीं जाती है। ये पुराना बस स्टैंड है, अभी तो फिलहाल यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर की बसें नहीं जाती हैं, नज़दीक की ही जाती हैं, आस पास की ही। ये यहाँ का बस स्टैंड है, जैसा कि आप देख रहे हो हम बहुत जोर की भूख लगी है, तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी चल के पहले कहीं अच्छी तरह से खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद हम आगे मार्केट को जाते हैं और कुछ सामान लेना है वो लेते हैं, फिर ऐसे ही हम शिमला को एक्सप्लोर करते रहते हैं। आप बने रहिए मेरे साथ। ये दूर दूर तक शिमला का नज़ारा आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। लखनपाल स्वीट शॉप जाते टाइम यहाँ से मिठाई भी लेके जाएंगे। और ये यहाँ की शिमला की वाइन्स है, थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं क्या क्या है। ये यहाँ के स्पेशल वाइन्स हैं जो यहाँ बनती हैं। नाइस फ्रूट वाइन है। ये वाइन कैसे हैं ये? और बियर भी है इसमें का? खाली वाइन्स हैं। ये क्या चीज़ से बना है? ये रोजे, दिस इज रोजे, ये यहाँ हिमाचल का फेमस फ्लावर है, उसकी बनती है। एंड दिस इज मेड बाय लीची, लीची आप देख सकते हैं इसमें लीची लिखा हुआ है। इस वाली दिस इज मेड बाय प्लम एंड हिमाचल से बाहर नहीं जाती, हिमाचल से बाहर नहीं जाती और यहाँ की शुद्ध फेमस है, यहाँ की फेमस। और थैंक यू, आपने बहुत कुछ हमें जानकारी दिया, यहाँ की सबसे अच्छी चीज है ये, इससे इतना नुकसान नहीं है। ये शिमला वाइन स्टोर, आप यहाँ आए तो जब भी आए तो इसका ये लोकेशन है लखनपाल, लखनपाल स्ट्रीट्स के पास है और इसके बगल में ओल्ड बस स्टैंड और यहाँ मोबाइल शॉप है, इसके बगल में इनकी दुकान है। थैंक यू, बहुत अच्छी वाइन है यहाँ की, हालांकि हम वाइन लेने नहीं जा रहे, हमें देखना था और एक्सप्लोर करना था तो इसलिए हमने ऐसा किया। और फाइनली अब हम पंचायत भवन के पास आ चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यह पंचायत भवन। और फिलहाल हमें खाना खाना है और खाना खाने के लिए हमें एक अच्छे होटल की ज़रूरत है जहाँ हमें इनका खाना मिल सके। और मैं थोड़ा नॉनवेज ज़्यादा खाता हूँ, मैं नॉनवेज के चक्कर में रहता हूँ कि नॉनवेज वाला अच्छा रेस्टोरेंट किधर मिलेगा, अभी देखते हैं। और ये ऊपर मंदिर है, आई थिंक कौन सा मंदिर है ये कौन सा मंदिर है? राम मंदिर, राम मंदिर है। आज तो टाइम नहीं है, बाद में देखेंगे। ये मिलाप ढाबा मिल गया है, हम होटल में चल के खाना खाते टाइम फिर हम वीडियो बनाते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। वेट वन
अब चलते हैं यहाँ खाना खाने और थोड़ा सा। अब इतना दूर में मुझे कहीं अच्छा रेस्टोरेंट दिखा, फिलहाल तो खाली है। ये बार एंड रेस्टोरेंट बहुत है और बहुत ही अच्छा नज़ारा है पीछे का। अब देखिए ये बार है और रेस्टोरेंट तो फिलहाल खाली है, बट शांति बहुत है। और यकीन मानिए खाना खा के हम जल्दी से फिर आगे मॉल रोड को चलते हैं, फिर हम खाना मंगाते हैं, खाने का ऑर्डर करते हैं और फिर खाने को एक्सप्लोर करते हैं कैसा खाना बना है यहाँ का और क्या है हम बताते हैं। रेस्टोरेंट में कोई है सर? तो हम बैठ रहे हैं, खाना का ऑर्डर करते हैं फटाफट और खाना खा के फिर आएगी दफ चलते हैं। बहुत ही शांति है यहाँ, यकीन मानिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये रेस्टोरेंट, क्योंकि यहाँ शांति बहुत है और यहाँ की चेयर्स भी देखिए बहुत ही मतलब रिलैक्सिंग पोजीशन में रखे हुए हैं और हम इस पे बैठते हैं क्योंकि ये डबल वाला नहीं है, ये सिंगल डबल वाला है। और एक छोटा सा ड्रिंक भी लेंगे खाने के साथ, देखते हैं यहाँ का क्या हिसाब किताब है। और ये मिरर आपको दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा है। मेनू कहाँ है सर? हेलो दोस्तों, तो मेरे पास आ चुका है मेरा खाना, चिकन बिरयानी और हैदराबादी चिकन बिरयानी है ये। और हम कौन से रेस्टोरेंट में हैं? महामाया रेस्टोरेंट, जो शिमला ओल्ड बस स्टैंड के जस्ट बगल में है। ओल्ड बस स्टॉप से मतलब आप ओल्ड बस स्टॉप से लिफ्ट की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो महज 100 मीटर की दूरी पे है। और अब इनका टेस्ट हम देखते हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं पक्का एक्सप्लोर करूंगा, क्योंकि अभी तक जो मुझे टेस्ट मिला मैंने रोज़ ही आप लोगों को बताया है पर डे कि हाँ ये चिकन में ये कमी थी और यहाँ ये कमी थी, यहाँ मसाले कम थे या इनका टेस्ट का पता नहीं था इनको बनाने का। तो हालांकि मैंने पहले ही कुक को बोला था कि भाई साहब आप हैदराबादी चिकन बिरयानी बनाना जानते हो, तो उसने बोला कि हाँ। फाइनली चिकन की क्वांटिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा है, मतलब अच्छी नहीं है बल्कि मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा है। लगभग बहुत सारे चिकन हैं, अगर खाली चिकन की बात की जाए तो एक आदमी के लिए मच मोर रहना चाहिए, एक आदमी इतना चिकन मतलब बहुत मुश्किल से खा पाएगा, इतना ज़्यादा चिकन है। और अब बाकी बात रही टेस्ट की, तो मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा क्या इनका टेस्ट कैसा है। और कैसा मसाले हैं देख के तो बहुत मसालेदार लग रहा है, बाकी अब खा के देखता हूँ कैसा मसाला है और क्या टेस्ट है। अच्छे खासे मतलब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है देख के लग रहा है, क्योंकि आपको मैं दिखाऊँ ये देखिए यहाँ हर जगह ये काजू हर जगह दिख रहा है आपको, और चिकन पीसेज भी लगभग एक चिकन बिरयानी में 1, 2, 3, 4, 5, 6 चिकन पीसेज हैं एक चिकन बिरयानी में। और ये मोहमाया रेस्टोरेंट एंड बार एंड रेस्टोरेंट और होटल भी हैं इनके, महामाया रेस्टोरेंट होटल एंड बार हैं। और चलिए हम एक्सप्लोर करते हैं इनको, खा के देखते हैं कैसा टेस्ट है। यहाँ के हिसाब से टेस्ट ठीक है, एक्चुअली यहाँ के लोग फ्रूट्स को और नट्स को, कैसो नट्स को, किशमिस को खाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ये लोग, और उस हिसाब से यहाँ के हिसाब से शिमला के हिसाब से हम कहें तो अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा है। बाकी हैदराबाद में ऐसा इस्तेमाल नहीं होता, हैदराबाद में आपको काजू देखने को नहीं मिलेगा हैदराबादी बिरयानी में, हाँ लेकिन यहाँ के हिसाब से बिरयानी वेल एंड गुड है और टेस्ट ठीक है। मैं खा के देखा, बुरा नहीं,
यहाँ ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा होते हैं तो लोग भर भर के इसका इस्तेमाल करते हैं खाने में। इनकी गलती नहीं है, इनको ऐसा लगता है कि हाँ ड्राई फ्रूट्स खाने में होने चाहिए, जैसे कि अखरोट, काजू, किशमिश। टेस्ट अच्छा है, तीखा भी नहीं ज़्यादा। हाँ, बट हैदराबादी बिरयानी का एक टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है, वो तो आपको हैदराबाद में मिलेगा। लेकिन हाँ, अभी तक जितने बिरयानी मैंने यहाँ खाए शिमला में, कुसुमटी से लेकर यहाँ तक, उन सब में ये बिरयानी का टेस्ट अच्छा था। और चलिए मैं खाना शुरू करता हूँ। अब चिकन पीसेस देखता हूँ ये कैसे बने हैं। यहाँ लोग तीखे मसाले नहीं खाते हैं। यहाँ की एक खास बात है, लगभग कितने सारे रेस्टोरेंट्स मैंने देख लिए, यहाँ लोग मतलब तीखा के नाम पर नाम मात्र का तीखा खाते हैं। शिमला के हिसाब से वेल एंड गुड बिरयानी है, हैदराबाद के हिसाब से थोड़ा अलग है। मैं शिमला के हिसाब से बोल रहा हूँ, इसलिए हमेशा याद रखिएगा, शिमला के हिसाब से ये रेस्टोरेंट और इसकी बिरयानी अच्छी है, तीखा नहीं है, ज़्यादा मसालेदार नहीं है। आपको इसमें ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा मिलेंगे, यहाँ की बिरयानी में ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा मिलेंगे। ड्राई फ्रूट्स बहुत है। हाँ, बट बिरयानी अच्छा खा सकते हैं। मतलब यहाँ के लिए तो वेल एंड गुड है, तो यहाँ के हिसाब का है वो बढ़िया है। चलिए फिर हम खा के मिलते हैं आपसे। थैंक यू। हिमाचल के हिसाब से खाना ठीक था और हमने चिकन बिरयानी खाया। पानी भी इसका बिल बहुत ज़्यादा नहीं है, एवरेज है, ठीक है। और आप जब भी यहाँ शिमला में आए तो इनके हर होटल को प्रेफर करें, क्योंकि यहाँ बहुत शांति है और बहुत ही अच्छा लोकेशन पे भी है, और बगल में बस स्टैंड है। और तो हम यहाँ से खाना खा चुके हैं, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से और अभी हम चलेंगे मॉल रोड की तरफ। मैं इतना ऊपर चढ़ गया, एक बेवकूफ ने बता दिया मुझे कि यहाँ से मुझे चढ़ना है, यहाँ से आगे लिफ्ट मिलेगी, बट फाइनली यहाँ से लिफ्ट नहीं है। वो गधा मुझसे झूठ बोला और मैं परेशान हो गया, बहुत सारी ऊंची स्टेप्स को चढ़ा और अब मैं लिफ्ट में जा रहा हूँ। थका दिया यार, अब मुझसे इतना चढ़ाने के बाद फिर मैं वापस उतर के आ रहा हूँ और अब मैं चल रहा हूँ लिफ्ट की तरफ। और लिफ्ट से आपको लेके चलता हूँ मैं मॉल रोड में, एक इंजीन हॉस्पिटल का बोर्ड है एक, मैं आपको अभी बैक